तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे अब टाइगर 3 अब आने के लिए मात्र 16 से 15 दिन बचे हैं इस मूवी को थिएटर हाउस में रिलीज होने के लिए। और वायर ऑफ प्रोडक्शन मैं कहूँगा सॉलिड एक्टिव है, और दिन पे दिन जो ये ग्रो कर रहे हैं मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बात करेंगे कि मूवी की रन टाइम कितनी होने वाली है, बुक माई शो इंटरेस्ट कैसा चल रहा है टाइगर 3 के लिए, 15 दिन बचे हैं इस मूवी को, एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, कहां से कितना रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ओवरसीज़ में क्या हाल चल रहे हैं। देखो ओवरसीज़ में बहुत पहले बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, और यस अगर एक मूवी को आपको 1000 करोड़ से ऊपर ले जाना है, ये थ्योरी आई थिंक मुझे लग रहा है 2023 में ही जनरेट करी गई थी कि भाई साहब अगर इंडियन मूवी को, बॉलीवुड मूवी को, साउथ मूवी को अगर आपको 1000 करोड़ से ऊपर ले जाना है तो आपको ओवरसीज़ में बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ की मार्केट को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। और यस यहाँ हमें बहुत से प्रीवियस एक्सपीरियंस भी देखने को मिला, और करंट में जो एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है वायर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ से अपनी टाइगर 3 मूवी के लिए, वो तो सॉलिड देखने को मिल रहा है। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे अभी, उसके बाद प्रमोशन के क्या हाल चल रहे हैं, प्रमोशन किस लेवल का चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। स्क्रीन काउंट, इस मूवी को ओवरसीज़ में कितनी स्क्रीन दी जाने वाली है। देखो इंडिया में तो पूरा थिएटर हाउस मतलब फुल इंडिया सिर्फ टाइगर 3 का ही गुणगान गाएगा, क्योंकि वायर ऑफ प्रोडक्शन इसने पठान जैसी 1000 करोड़ की मूवी पहले ही दे रखी है। तो थिएटर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायर ऑफ पे कोई शक नहीं है कि ये मूवी टाइगर 3 दोबारा से 1000 करोड़ करके जाएगी। मैं आपको बताऊंगा रन टाइम इस मूवी की होने वाली है टाइगर 3 की 2 घंटा 35 मिनट, जो बहुत सॉलिड है। देखो कोई भी मूवी अगर आप उसकी रन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपका कंटेंट सुपर सॉलिड ही क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद बोरियत आने लग जाती है, क्योंकि ये फास्टिंग मोड है, फास्टिंग जमाना है जहाँ पर सब कुछ इजी टू और फास्टली हमें मिल जाता है। लाइक अगर मैं RRR को यहाँ ले लूँ, RRR का कॉन्टेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आप 3 घंटा मूवी देखते हुए कहीं ना कहीं बोर जरूर हो गए थे। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं बोर हो गया था, लेकिन वो मूवी सॉलिड थी, रन टाइम बहुत सॉलिड है। बुक माई शो इंटरेस्ट अगर मैं को बताऊं टाइगर 3 का, तो अभी 15 दिन पहले ही ये मूवी 240,000 इट मींस ये कि 2,40,000 का बुक माई शो इंटरेस्ट रेट कवर अप कर चुकी है। और ये मूवी 15 दिन बचे हैं रिलीज डेट के नज़दीक पहुंचते आई थिंक सो ये मूवी 600,000 से ऊपर तो पहुंची जाएगी। एडवांस बुकिंग का मैं अगर बताऊं तो इंडिया में एडवांस बुकिंग 5 नवंबर से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल ये ऑफिस दिया है। ओवरसीज़ का अगर मैं हाल बताऊं तो यूके में भाई साहब तबाही चल रही है, ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को मिल रहा है, 15 दिन पहले ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हालाँकि इस एडवांस बुकिंग को ओपन हुए करीबन 7 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन तब तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोई डेटाज नहीं आ रहे थे, लेकिन कल से ही हमें डेटाज मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो 3,900+ के आसपास इन्होंने टिकट सेल कर दिए हैं, और अराउंड 30,000+ यूरो की इन्होंने बुकिंग ले ली है यूके से। यूएसए का अगर मैं बताऊं तो 33,000+ यूएस डॉलर की इन्होंने बुकिंग यूएसए से ले लिया, भाई साहब यूएसए से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन हमें यूएसए से देखने को मिलती है, ओवरसीज़ के बात कर रहा हूँ तो यूएसए में मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन वहीं से आता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ तो गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है सलमान खान एज वेल एज शाहरुख खान दोनों को। तो शाहरुख खान तो अपना फाड़ के ले गए बिल, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में अब सलमान खान कितना खरा उतरने वाले हैं वो तो अभी देखने को पता लगेगा। जिसका अर्ली एस्टिमेट का अगर मैं रिपोर्ट रेस्पॉन्स बताऊँ तो सॉलिड आ रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, ओमान वगैरह जगह पर भी बुकिंग ओपन हो चुकी है, अभी तक यूएई में चल रही थी, आबू धाबी में क्रेज चल रहा है भाई, पागलपन चल रहा है सलमान खान के लिए, प्रमोशन पेल कर चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके चल रहा है। इंडिया में तो फाड़ू प्रमोशन चल रहा है, लेकिन वही चीज़ फैंस की तरफ से ना थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। शाहरुख खान की मूवीज पठान और जवान इतना आगे क्यों निकली, सिर्फ मेकर्स के एफर्ट की वजह से वो मूवी 1000 करोड़ नहीं लेके आई है, फैंस के एफर्ट्स की वजह से भी वो मूवी 1000 करोड़ लेकर आए हैं। तो सलमान खान के फैंस आई डोंट नो इतना इनएक्टिव क्यों हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए बहुत ज़्यादा मांग चलनी चाहिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो चल रहा है बट उतना हाईली रेस्पॉन्सिव नहीं चल रहा है। बात करें ओवरसीज़ में स्क्रीन कितनी दी जाने वाली है इस मूवी को टाइगर 3 को, करीबन रिपोर्ट निकल कर आ रही है 4,500 से 5,000 स्क्रीन्स ओवरसीज़ में दी जाने वाली हैं, जो पठान को बीट कर देगा स्क्रीन काउंट के मामले में, जवान को बीट कर देगा स्क्रीन काउंट के मामले में। पठान को दिए गए थे 2,700 स्क्रीन्स, जवान को दी गई थी 4,000 स्क्रीन्स, लेकिन अगर मैं आपको